हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान रहा फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आप धनतेरस पर खरीदकर घर लाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन लाभ कराती हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, साल 2022 में दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर धनतेरस से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन से धन संपदा और जीवन में समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने पर उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे धनतेरस पर खरीदना शुभ तो होता ही है, साथ ही ये चीजें आपको जीवन में सफलता, सुख समृद्धि और धन लाभ कराती हैं। 16 श्रृंगार का सामान। धनतेरस के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान विशेषकर सिंदूर कुमकुम खरीदकर लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदा गया श्रृंगार का सामान महालक्ष्मी पूजन के समय माँ को अर्पित करें और फिर स्वयं माँ के आशीर्वाद स्वरूप इसका इस्तेमाल करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौड़ियाँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब उनके साथ कौड़ियाँ भी आई थी। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक है, इसलिए यदि आप धनतेरस के दिन कौड़ियाँ खरीदकर दिवाली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो इससे कभी भी धन हानि नहीं होती, बल्कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। धनिये के बीज। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना जीवन में शुभता को बढ़ाने वाला होता है। यदि आप धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदकर लक्ष्मी पूजन के समय इनका प्रयोग करने के बाद दिवाली के दिन इन बीजों को घर के आंगन या गमले में बोते हैं तो कहा जाता है कि जितना ये धनिया फलता फूलता है उतना ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली पूजन सामग्री। धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली पर्व की शुरुआत होती है, इसलिए यदि आप धनतेरस के दिन दिवाली से संबंधित खरीदारी जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, खिल बतासे और मिट्टी के दिए खरीदते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। नया झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है क्योंकि झाड़ू घर से कूड़ा कर बाहर करती है और कूड़े को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ धन संपत्ति हमेशा रहती है। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर में जरूर लाएं। इससे साल भर घर में धन की आवक बनी रहती है। धनतेरस के दिन खरीदकर लाए इस नमक का उपयोग यदि आप दिवाली के दिन घर में पोछा लगाने वाले पानी में करते हैं तो इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ ही घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं। जय माँ लक्ष्मी।